आपने सवाल पूछा कि एमकॉम ने बायकॉट क्यों किया। शेयर बायकॉट करने का मकसद सिर्फ यह है कि जो हल्का बंदी हुई है उसमें गड़बड़ हुई है। एमकॉम कहती है कि 73-72 सीटों पे जो हल्का बंदी है वो गलत हुई है, जबकि गवर्नमेंट ने माना है कि 50-55 सीट पे। अब जब नोटिफिकेशन वापस लिया तो उन्होंने कहा कि ये 50 सीटों पे हल्का बंदी गलत हुई है। मेरे ख्याल से जो कराची की आबादी है वो 1.5-3 करोड़ के करीब है। इस तरह 100 सीटें और मज़ीद होना चाहिए कराची के अंदर। एमकॉम के बायकॉट की वजह से लोग बाहर नहीं निकले शहर में, जो वोट का टर्नआउट है वो बहुत कम रहा, जिसकी वजह से पीटीआई और जमात इस्लामी जो है उसने सीटें हासिल कर ली। अगर एमकॉम बायकॉट नहीं करती तो ये चंद सीटें हासिल करते। पीएस पार्टी और एमकॉम आपस में बार्गेनिंग पोजीशन पर आती, लेकिन इतनी आसानी से ये जो नया मेयर आएगा वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेन पार्टी एमकॉम जिसने बायकॉट किया वो बाहर है। तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी और जो कराची के जो लोग हैं उनको हकूक नहीं मिलेंगे, वो इलेक्शन बेमायने होंगे।